हेलो दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज आज आपका फिर से एक बार द यूनिक्वेट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे टिटनेस के बारे में। टिटनेस जो रहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज रहती है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो रहते हैं इससे अफेक्टेड होते हैं और जो मेजोरिटी ऑफ जो डिसीज रहती है वो काप्स में या फिर जो यंग वंस रहते हैं उनमें देखने को मिलती है क्योंकि जो यंग वंस रहते हैं उनमें जनरली ये इन्फेक्शन अम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू एंटर करता है। क्योंकि अम्ब्लाइकल कॉर्ड जो रहती है इसको प्रॉपरली कट नहीं किया जाता है, कट करने के बाद डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता है तो जो गाय का गोबर या फिर किसी भी एनिमल का गोबर रहता है उसमें क्लॉस्ट्रिडियम जो स्पीसीज रहती है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई जो बैक्टीरिया रहता है वो पाया जाता है, वो एंट्री करता है और जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई रहता है उसको इन्फेक्ट करने के लिए जनरली दो नीड्स रहती हैं। पहली जो नीड रहती है वह है वूंड होना, दूसरा जो नीड रहती है वह रहती है एनारोबिक एनवायरनमेंट, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं। तो जनरली इसमें सबसे जो कॉमन क्लिनिकल साइंस रहते हैं वो सौ हॉर्स पॉस्चर रहता है जिसमें कि जो एनिमल रहता है उसके आगे के पैर आगे की तरफ चले जाते हैं, पीछे के पैर पीछे की तरफ चले जाते हैं और एनिमल एक काट के घोड़े की तरह नज़र आने लगता है। दूसरा जो साइंस नज़र आते हैं वो होता है कि जो एनिमल रहता है उसके कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों तरीके का लॉक जो कंडीशन पाई जा सकती है। अगर इनिशियल स्टेज है तो उसमें इनकम्प्लीट लॉक जो पाई जाएगी और अगर कंप्लीट जो कंडीशन पाई जा रही है ट्रॉफिक्स हो चुके हैं तो ये बहुत ही बाद की सिचुएशन है। तो है ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं तीसरे जो इसका क्लिनिकल साइन आप और देख सकते हैं। जनरली ये जो लॉक जो कंडीशन है वो मैसेटर मसल रहती है उसके फिक्स होने के कारण हो जाती है। तीसरी जो अब हम बात करते हैं जो क्लिनिकल साइन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको देख के आप बता सकते हैं कि इसको टिटनेस हुआ है। पहला तो आप हिस्ट्री लेंगे, दूसरा आप ये साइन अगर देख लेंगे तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि इसमें टिटनेस है। जो साइन जो रहता है वह रहता है प्रोलैप्स ऑफ द थर्ड आईलिड। तो इसमें क्या रहता है, जब भी आप मीडियल कैंथस ऑफ आई जो रहती है एनिमल की उस पर टैप करेंगे या फिर जो आप एकदम से जर्क देंगे उसकी चिन पे तो ऊपर की तरफ जब अपन उठाएंगे उसको एकदम से तो थर्ड आईलिड प्रोलैप्स जो हमें देखने को मिलता है। ये कॉमन रहता है इस डिसीज़ में, बाकी डिसीज़ में भी रहता है लेकिन हमें हिस्ट्री लेनी होती है कि उसमें कोई वुंड की हिस्ट्री तो नहीं है, तो वो हिस्ट्री जनरली और डिसीज़ में एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वह रहती है कि एनिमल का अगर लॉक जो कंडीशन हो गई है तो उसके बाद वह खाना पानी नहीं खा पाता है तो उसमें जो है एनोरेक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। इसके अलावा जो मेन जो रीज़न रहता है डेथ का वह रहता है इसमें जो थोरेसिक मसल्स रहती हैं उनका फिक्स होना, मतलब कि एनिमल जो रहता है उसमें उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, एनिमल सांस नहीं ले पाएगा तो उसको डेथ हो जाती है। तो अब जनरली अब हम बात करते हैं जब हमने ये सिम्टम्स देख लिए, उसके अलावा एक सिम्टम और कॉमन रहता है कि इसमें जो टेल रहती है वह है हैंडपम्प लाइक अपीयरेंस उसका हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम और बात करते हैं तो इसमें हाइपरएस्थीसिया देखने को मिलता है, मतलब कि जो एनिमल रहेगा वो थोड़ी सी आवाज़ करेंगे या थोड़े से स्टिमुलाई पे एकदम से ओवर रिएक्ट करता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जनरली हमें पाए जाते हैं टिटनेस में। अब इसके बाद जो मेन जो मुद्दा है हमारा वह रहता है ट्रीटमेंट का, तो क्या ट्रीटमेंट करें इसमें। तो ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई जो रहता है ये जनरली एनारोबिक बैक्टीरिया रहता है तो इस पर जो अच्छा इफेक्ट जो दिखाती है वो एंटीबायोटिक रहती है इसमें प्रोकेन पेनिसिलिन, जिसका जनरली डोज रेट रहता है 22,000 से 44,000 आयु पर के जी बॉडी वेट देते हैं। और इसके साथ में अगर हम मेट्रोनिडाजोल इसको और IV इन्फ्यूज़न के थ्रू यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो मेट्रोनिडाजोल है वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया पे बहुत शानदार इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि डेथ की हमने बात की थी तो जनरली किससे डेथ हो रही थी इसकी, कि जो इसमें डायफ्रामेटिक मसल जो रहती है या फिर थोरेसिक मसल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम जनरली डाइजीपाम एक रिकमेंडेड डोज पे हम एनिमल को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं जो सिम्टोमेटिक थेरेपी है उसके लिए जनरली एनिमल को अगर खाना पानी नहीं खा रहा है तो हम उसको DNS या फिर फ्लूइड थेरेपी पे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन जो क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज रहती है वो टॉक्सिन लिबरेट करती है और ये जो टॉक्सिन रहते हैं वो ग्रो करते हैं बिना बॉडी को पता लगे, मतलब कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं पाता है इसके विरुद्ध,
तो अगर एनिमल ठीक भी हो जाता है तो भी उसके बाद उसमें एंटीबॉडीज़, उसमें कोई मतलब कि जो मेमोरी की बात करते हैं तो नहीं रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक नया प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें हम 0 डे 3 डे और 7 डे, मतलब 0 डी पे हमने टिटनेस टॉक्सॉइड जो रहता है वो दिया, उसके बाद उसके 2 बूस्टर लगाएंगे 3rd दिन और 7th दिन। तो 3rd और 7th दिन के बाद लगाने के बाद जो इफ़ेक्ट है वो हमने देखा है और इससे एनिमल ठीक भी हुए हैं। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो टिटनेस टॉक्सिन रहता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। तो अगर हम चाहें, अगर एनिमल की या ओनर की कंडीशन अच्छी है तो उसमें हम एक सिंथेटिक जो एंटीबॉडीज़ आती हैं जिसको टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, वो जनरली 1250 से 1300 रुपये का आता है, तो आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। एक इंजेक्शन से इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।